अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी, कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बघुन टाका, मंत्री मोजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाका पटा पटाका। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज पूरा शहर। News, views, and interviews, fresh and hot, without excuse, without excuse, without excuse. So tune in, keep watching, पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बात। नमस्कार, मी मेघना घाग, कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोड मध्ये आपले स्वागत आहे। चला तर मग नजर टाकूया शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक घडामोडींवर। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। शहरात काही दिवसांपूर्वी एक दुःखद घटना घडली। उल्हासनगर 3-17 सेक्शन परिसरात JMD अर्थात जय माता दी ग्रुपच्या बाप्पाच्या आगमनावेळी विद्युत वायरच्या झटक्याने दोन युवकाचा मृत्यू झाला, ज्यानंतर संपूर्ण शहरात शोककळा पसरली आहे। शहर में जिस तरीके से हर वर्ष इस वर्ष भी जो है गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, और ऐसे में शहर में जो बड़े बड़े पंडाल है, जो बड़े बड़े ग्रुप है, उनके गणपतियों का आगमन शहर में होना शुरू हो चुका है। ऐसे में अगर बात करेंगे तो आज उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के 17 सेक्शन परिसर में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जिसमें ये बताया जाता है कि उल्लासनगर कैंप क्रमांक 3 के जो दशहरा मैदान परिसर के पास JMD ग्रुप के गणपति जो बैठते हैं, उनके गणपति को जब यहाँ पे लेके आया जाता है शहर में, तो इस जगह पर जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ 17 सेक्शन नीलम होटल के पास के ही परिसर की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है टाटा की वायर पर जो है मूर्ति का जो है हिस्सा लगा, जिसके बाद जो है दो युवक जिनका नाम हितेश तलरेजा और हितेश सचदेव बताया जाता है, वो इस वायर की चपेट पे आके उनकी मौत हो गई। दर्दनाक जो है मौत यहाँ पे हो गई, उसमें से एक युवक जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका अस्पताल में जो इलाज किया जा रहा है। बहरहाल अगर बात करेंगे तो जिस तरीके से कल्याण अंबरनाथ रोड की कटिंग की गई थी, उसके बाद से महानगर उसके बाद से अगर बात करेंगे तो विद्युत विभाग की जो है लापरवाही साफ तरीके से देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि टाटा की जो वायर है, इसकी जो ऊंचाई होनी चाहिए थी, उस ऊंचाई को भी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं रखा गया। इसकी ऊंचाई जो है बहुत नीचे है। यदि यहाँ से एक ट्रक पास होती है तो ट्रक पास होने के बाद भी जो है एक व्यक्ति को अगर उसके ऊपर सवार होगा तो उसकी चपेट पर आ सकता है। तो इस तरीके की लापरवाही जो है पूरे शहर भर में देखने को मिली। हम आपको बता दें कि इसके पहले भी पिछले 2 महीनों में अगर बात करेंगे तो MHCV की लापरवाही की वजह से जो है शहर में 2 जाने गई थी। अब यहाँ पर जो है एक बार फिर से 2 युवकों की जो है जान चली गई है। बहरहाल यहाँ पर सवाल ये उठने लगा है कि शहर में जिस तरीके से MHCV की जो लापरवाही, जो विद्युत विभाग की जो लापरवाही है, वो तो आमतौर से देखने को मिले, जिसके वजह से शहर में जो है उनके वजह से जो है जाने जाने लगी है। और एक सवाल यहाँ पर यह भी उठने लगा है कि जिस तरीके से गणेश उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो है सभी लोगों को एक आने का जो है मौका मिलता है, लेकिन उसमें आज जो है अब ये चीज़ देखने को मिली कि कॉम्पिटिशन देखने को मिलता है, जो गणपति की जो मूर्तियाँ रहती है उनकी हाइट को लेकर जो है कॉम्पिटिशन जो है पंडालों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठने लगा है कि MHCV की तो लापरवाही शहर भर में हो रही है, जिसकी वजह से जाने भी जा चुके हैं, और आज एक बार फिर से यहाँ पर जो घटना घटी है। अब सवाल ये भी उठने लगा है कि जिस तरीके से जो हाईकोर्ट के ये भी ऑर्डर हैं कि जो है ऊँचाई जो है गणपति की एक सीमित होनी चाहिए, ताकि जिस तरीके की कोई हादसा ना हो जैसे आज यहाँ पर हुआ, तो अब देखना यह है कि किस तरीके से प्रशासन इस पूरे मामले को लेता है, और जिस तरीके से जाने गई है कि ऐसी तरह की दुर्घटनाएं शहर में होती रहेगी, क्योंकि अब जो है बड़े बड़े शहर में जो है गणपति के पंडाल जो है बड़े बड़े गणपति आने वाले हैं, तो इस तरह की घटनाएं शहर में कभी भी हो सकती है। अब देखना है
है कि एमएससी भी अपनी लापरवाही को किस तरीके से जो है यहाँ पे सुधारता है या फिर इसी तरीके से लोगों की जाने जाती रहेगी। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। पुरेसा असा पाऊस पडूनही शहरात सुरू असलेल्या पाणी टंचाईला पाहता उल्हासनगर महानगरपालिकेचे काही नगरसेवक व स्थायी समितीच्या सदस्यांनी MIDC पंप हाऊसचा दौरा केला, ज्यानंतर MIDC द्वारे शहरात जास्त पाणी सोडण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे। पाहूयात सविस्तर बातमी। पण पावसामध्ये सुद्धा उल्हासनगरला जो MIDC कडून कमी प्रमाणात पाणी पुरवठा होते आणि त्याचा परिणाम लोकांच्या एक भावनेवर होते की जे पाणी कमी असताना लोकांना पाणी कमी मिळत होतं ठीक होतं, पण आता पाऊस धोधो पडला आहे, पूर आलेला आहे आणि उल्हासनगरमध्ये पाणी कमी पडतं आहे। 4-5 या कॅम्प नंबर 4 आणि 5 या ठिकाणी दिवसाड पाणी आहे। लोक ठीक आहे, लोकांची मानसिकता झालेली आहे की पाणी कमी वापरायचं, पण त्याचबरोबर हाही प्रश्न विचारला होतो की पाणी नदीतून पाणी खाडीला जाते, खाडीतून समुद्राला मिळते, अशा अवस्थेत अशा परिस्थितीमध्ये दिवसाड पाणी का? तर MIDC कडून कमी प्रमाणात होत असलेला पुरवठा तांत्रिक अडचणीमुळे, तांत्रिक बाबीमुळे आज या ठिकाणी आम्ही सगळं शिवसेनेचं सगळं शिष्टमंडळ, त्यामध्ये स्टँडिंग कमिटी चेअरमॅन जे सुनील सुर्वेजी, शिवसेना गटनेते सुभाष मनसुर, सुरेश जाधवजी, आपले MIDC चे ननावरे साहेब आणि सर्वात यांचे अधिकारी होते, चांगली झाली आणि त्या परिस्थिती लक्षात आली की पालेवरून जे पाणी कमी मिळते त्याचं कारण होतं की त्यांच्या MIDC ची मेन लाईनला प्रेशर कमी असल्यामुळं ते प्रेशर वाढू शकत नाही, तरी त्यांनी त्याच्यावर 15 दिवसामध्ये तोडगा काढतो आणि या उल्हासनगरचं पूर्वी असलेलं प्रेशर कसं मेंटेन करून जे 2200-2300 फ्लो कसा करतात ते त्यांनी एक आश्वासन दिलेले। त्याचबरोबर या शाळ वॉटरवर्क्सवरून जे 120 ML आमचं रोजचं होतं ते साधारणतः 110-115 ML केलं होतं, ते 120 करण्याचं त्यांनी आश्वासन दिलेलं। मला खात्री आहे की याच्यातून नक्कीच शहरातील लोकांना पाणी मिळेल, लेकिन सभी शहरवासियों को मैं एक आवाहन करता हूँ कि जो टेक्निकल प्रॉब्लम था इसकी वजह से पानी का कपात MIDC की तरफ से था, फिर भी अभी भी था, जो सैंक्शन कोटा है हमारा उसको कोटा बढ़ाने का आश्वासन हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने जी दिया है, MIDC वालों से मीटिंग उन्होंने किया है, इरीगेशन वालों से किया है, तो ये जल्द से जल्द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन आज यहाँ पर हम सब जो शिवसेना के शिष्टमंडल है बोल कॉरपोरेशन के सब इंजीनियर के साथ ननावरे साहब से मीटिंग हुआ, उन्होंने आज से ही ये लागू करने का वादा किया है। मैं MIDC के ननावरे साहब और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद मानता हूँ कि एक जो गणपति के उत्सव है उस पर्व में उन्होंने उल्हासनगर को सहयोग दिया। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। शहरातील प्रसिद्ध टाउनहॉल येथे उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या वतीने महिला वर्गाकरिता मंगळागौरी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। यावेळी महिलांद्वारे सांस्कृतिक कार्यक्रमही सादर करण्यात आले। पाहूयात सविस्तर बातमी।
मंगळागौरी निमित्त श्रावण महिन्यामध्ये नेहमी आपण हा कार्यक्रम साजरा केला जातो, परंतु उल्हासनगर महानगरपालिकेकडून महापौर या नात्याने मी मंगळागौरी हा कार्यक्रम आज इथे सादर केला आणि सर्वप्रथम या कार्यक्रमास उपस्थित राहिलेल्या सर्व महिलांना खूप खूप धन्यवाद, कारण की त्यांनी या कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतला आणि मोठ्या संख्येने इथे उपस्थिती दाखवली. महिला दररोज आपल्या नित्य नेहमी नियमित कामांमध्ये नेहमी व्यस्त असतात, त्यांचा एखादा दिवस असा वेगळा म्हणून त्यांना वेगळा मिळावा, त्या दिवसाचं वेगळं आस्वाद त्यांना घेता यावं याकरिता आज हा कार्यक्रम साजरी करण्यात आला. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 5 येथील प्रसिद्ध चालियासाहेब मंदिरात 9 दिवसाच्या पावन व्रताची सुरुवात झाली आहे. प्रसंगी संत साई ओमिराब साहेब यांच्या संगीतमय कार्यक्रमाचे आयोजन देखील करण्यात आले होते. अरिड़हीं तारीख़ का बाबा वसंत गोड़ साहब जो शहनशाही चालियो भी शुरू थी रो है तो प्यारन के जिनके रखो है तो अरिड़ी तारीख उ भी अच्छी दरबार में जी रहती हैं लाल साईं जो चालीह रोकण लाइ तो अरिड़ी तारीख़ बाबा उतें अच्छी दरबार में लाल साईं जो ये भी लाल साईं जो ही है फर्क कुछ भी कान्हे वसंत गोड़ भी वही है तो फारू शाह भी वही है तो झूलेलाल रस्ते अलग अलग है मगर ठिकाना एक ही है. कोणार्क अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर महानगरपालिकेद्वारे उल्हासनगर 4 येथील VTC मैदानात स्वच्छता अभियान राबविण्यात आले व यावेळी क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन देखील करण्यात आले होते. पाहूयात सविस्तर बातमी. स्वच्छ भारत अभियाना अंतर्गत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान त्या अंतर्गत उल्हासनगर महापालिकेत नेहमीच स्वच्छतेबाबत मोहिमा राबविण्यात येत असतात. शासनाने 31 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्टपर्यंत काही सूचना मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या होत्या, त्या अनुषंगाने महिनाभर विविध कार्यक्रम राबविण्यात आले.
त्याअंतर्गत NSS सर्व कॉलेजेसचे स्टुडंट, NCC चे स्टुडंट यांच्यासहित उल्हासनगर महापालिका अंतर्गत येणाऱ्या 3 उल्हास स्टेशन रेल्वे स्टेशनची साफसफाई करण्यात आली आहे, तशीच जनजागृती करण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार स्वच्छता दौड क्रीडास्पर्धा आयोजित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने महापालिका क्षेत्रातील सर्व कॉलेजेस यांचा सहभाग घेऊन व NSS व NCCचे स्टुडंट्स व खिलाडू सर्वांचा सहभाग घेऊन आज स्पर्धा आयोजित करण्यात आल्या होत्या. सकाळी स्वच्छता दौड म्हणून स्वच्छ दौड एक आयोजित करण्यात आली होती आणि आत्ता VTC ग्राउंड इथे खो खो व कबड्डीच्या स्पर्धा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. माननीय महापौर, माननीय उपमहापौर, माननीय आयुक्त व इतर सर्व पदाधिकारी व अधिकारी यांच्या सर्व सहकार्याने व याच्याने सदरचा हा कार्यक्रम यशस्वीपणे राबवण्यात येत आहे. या आपल्या माध्यमातून मी सर्व शहरातील नागरिकांना विनंती करू इच्छितो की या सर्व आयोजनामागचा एकच उद्देश आहे की आपले शहर स्वच्छ व सुंदर ठेवावे. तरी आपणास विनंती करण्यात येते की आपण आपला कचरा पेटीतच टाकून शहर आपलं स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यास सहकार्य करावे. धन्यवाद. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. महाराष्ट्र शासनाच्या महाअवयवदान या मोहिमेअंतर्गत उल्हासनगरमध्ये मध्यवर्ती रुग्णालयाद्वारे अवयवदानाबाबत जनजागृती करण्यात आली. यावेळी रॅली काढून विद्यार्थ्यांसमवेत अवयवदानाचे महत्त्व सांगण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने अवयवदान ह्या विषयावर मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्याविषयी महाअवयवदान मोहीम 2016 राज्यभर राबवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्या अनुषंगाने मध्यवर्ती रुग्णालय येथे महाअवयवदानाच्या ह्या मोहिमेचं उद्घाटन आज करण्यात आलं. सदर उद्घाटनासाठी स्थानिक आमदार माननीय श्रीमती ज्योती कालानी मॅडम, त्याचबरोबर महानगरपालिकेच्या प्रथम नागरिक महापौर अपेक्षा पाटील मॅडम आणि जे कॉलेजचे सहभागी झालेले आहेत, NKT कॉलेज आहे, ITI उल्हासनगर, ITI अंबरनाथ आणि सेवा सदन असे 4 महाविद्यालयाचे विद्यार्थी ह्या रॅलीमध्ये सहभागी झाले आहेत. आजच्या दिनानिमित्त आजपासून 3 दिवस ह्या मोहिमेचा राबवण्यात येणार आहे. मोहीम 1 तारखेला आपण अवयवदान ज्यांना करायचं आहे त्यांच्याकडनं आपण संमतीपत्र भरून घेणार आहोत. त्याच्यासाठी आपण इथं स्वतंत्र व्यवस्था केलेली आहे. ज्यांना कोणाला ऑनलाईन फॉर्म भरायचा असेल, ऑनलाईन संमतीपत्र द्यायचं असेल, त्यांच्यासाठी आपण सुविधा निर्माण केलेली आहे. आणि त्याच दिवशी आपण ज्यांनी कोणी अवयवदान केलेलं आहे अशा अवयवदात्यांचं, काही मोजक्या अवयवदात्याचं प्राथमिक स्वरूपामध्ये आपण सत्कार करणार आहोत. आणि ह्या अवयवदानाच्या निमित्ताने महाराष्ट्रातील जनतेला, उल्हासनगर परिसरातील जनतेला एवढंच आवाहन राहील की अवयवदान करण्याविषयीची आपल्या मनामध्ये जे काही गैरसमज असतील किंवा जे अज्ञान असेल ते आपण दूर करण्यासाठी पुढे यावं. आमची यंत्रणा आपल्याला ह्याच्याबद्दलची शास्त्रीय माहिती देईल आणि अवयवदान हे केल्याशिवाय दुसरा पर्याय त्या रुग्णाला कुणाला नसतो, कारण अशा प्रकारचं अवयव फॅक्टरीमध्ये किंवा बाजारामध्ये उपलब्ध होत नाही आहेत. त्याच्यामुळं एखाद्या जिवंतपणी काही अवयवदान करू शकतो आणि मृत झाल्यावर काही अवयवदान करू शकतो. तर ह्यासाठी सर्वांमध्ये जनजागृती निर्माण होणं आवश्यक आहे, कारण आपल्याकडे अवयव निकामी झाल्यामुळं ज्यांचं जीव म्हणजे एंड स्टेज डिसीजला आलेला असतो अशा रुग्णांना अवयव मिळण्याची जी काही प्रतीक्षा यादी फार मोठी आहे आणि तुलनेनं अवयवदात्यांची संख्या कमी आहे. त्याच्यामुळं समाजामध्ये ही जागृती निर्माण करून मृत मेंदू झालेल्या व्यक्तीच्याकडनं आपल्याला एकापेक्षा जास्त अवयव मिळू शकतात, म्हणजे 2 किडनी मिळू शकतात, लिव्हरचा पूर्ण पार्ट मिळतो, 2 लंग्स मिळतात, त्यानंतर वेगवेगळे आणखीन अवयव मिळू शकतात, डोळे तर आपण देऊ शकतो. त्याच्यामुळं सर्वांनी ह्या निमित्ताने आवाहन करण्यात येते आणि जनजागृतीमध्ये सहभागी व्हावं अशा प्रकारे एक निमंत्रणही जनतेला देण्यात येत आहे. आणि आजच्या ह्या रॅलीमध्ये ज्या कॉलेजने सहभाग नोंदवला त्यांचे आम्ही मनापासून आभार मानत आहोत. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. पवित्र अशा श्रावण महिन्याची सांगता सर्वत्र करण्यात आली आहे. याच निमित्ताने पवई चौक परिसरात पालखीचे आयोजन करून श्रावण महिन्याची सांगता करण्यात आली. Ah!
कोणार्क अपना शहर अपनी बात। अंबरनाथ येथील प्राचीन शिव मंदिरातही श्रावण महिन्याचा सांगता सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला। यावेळी संत नरेंद्र महाराज यांचे प्रवचनही ठेवण्यात आले होते। पाहूयात सविस्तर बातमी। ऐसी एक ही योनि है, वो है मनुष्य योनि। और ये मनुष्य योनि में हम आ गए हैं, हमें अच्छा दिमाग मिल गया है, हमें अच्छा कर्म करने का मौका मिल गया है, हमें भगवान ने हाथ दिया है, हमें कर्म करने का अधिकार दिया है, हमें खड़ा होकर चलने का अधिकार दिया है, हम सोच समझकर जिंदगी का हर निर्णय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमें गाइड दिया है, वो है गुरु। इतने भगवान ने हमारे ऊपर मेहरबानी की है तो भी हम ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आने की वाट कौन, जाने का वाट मुझे जाने का घाट कौन, म्हणजे माझा जन्म कशासाठी झाला, मी का जन्माला आलोय मनुष्य जन्माला, हे आपण विसरलो। आणि म्हणून वारंवार साधू संतांना या पृथ्वी तलावर यावं लागतं आणि आपल्याला आठवण करून द्यावी लागते की एक दिवस आपल्याला जायचं। विजयराव पाटील आणि त्यांचे कुटुंबीय, त्यांचा सगळा जो हा ग्रुप आहे, हे सगळे आमदारसुद्धा या ठिकाणी बसलेत, या ठिकाणी नगरसेवक बसलेले आहेत। आणि मला असं वाटतं की श्रावण महिन्याची सांगता याच्यापेक्षा चांगली काही होऊ शकत नाही। खऱ्या अर्थाने आपण महिनाभर जी काही पूजा अर्चा करतो आणि आपल्या एक शुद्धता सगळी आचार विचारामध्ये शरीरामध्ये जी आणतो, त्याचा हा एक सांगता सोहळा असं मला वाटतं। आणि आज या ठिकाणी विजयरावांनी आणि त्यांच्या सगळ्या लोकांनी नरेंद्र महाराजांना या ठिकाणी प्रवचनासाठी बोलवलं आहे। एक अशी संस्था आहे की त्यांचा सामाजिक उपक्रम फार मोठे आहेत। विजय पाटील आणि रवी पाटलांच्या वतीने आज या ठिकाणी गाई वाटप, दुभती गाई वाटपचा कार्यक्रम गोरगरिबांना आयोजित केला आहे। तो एक सुप्त कार्यक्रम आणि खूप चांगला आहे, जेणेकरून गोरगरिबांचा एक उदरनिर्वाह त्यांच्या व्हावा ह्या एक चांगल्या उद्देशाने आपल्या हिंदू धर्माची संस्कृती जपण्यासाठी आणि एक चांगला सण आज ह्या ठिकाणी सांगता समारोप विजय पाटील आणि रवी पाटलांच्या वतीने झालेला आहे। मी सर्वांनाच शुभेच्छा देतो श्रावण मासच्या, आणि आजचा हा चांगला कार्यक्रम आयोजित केल्यामुळे त्यांनाही आभार आणि त्यांचे अभिनंदन व्यक्त करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। सद्गुरु स्वामी शांतीप्रकाश महाराज यांचा 110वा जन्मदिवस उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी उल्हासनगर 1 येथील आश्रमात धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। भगत प्रेमी हो, आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आज सद्गुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज का 110वां जन्मोत्सव बड़े धामधूम से उल्लासनगर 1 नंबर में जो दुनीचंद कालानी के पास आश्रम है वहाँ मनाया गया। और सद्गुरु स्वामी देव प्रकाश जी महाराज आए और थारा सिंह के संत जसवंत सिंह जी भी आए और केक काटा, और अभी भंडारा है, बैराणा साहब है, आज कृष्ण भगवान की छठी है, उनके उपलक्ष्य में पूरे उल्लासनगर वासियों को लख लख बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। कोणार्क अपना शहर अपनी बात। आता एक नजर शहरातील अपराधिक घटनांवर।
उल्लासनगर 3 हीराघाट चौक परिसर गौशाला परिसर में मनोज सदनानी नामक व्यक्ति के साथ मोबाइल चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि मनोज सदनानी जब रास्ते से जा रहे थे तभी दो अज्ञात बाइक सवार पीछे से आए और उनके हाथ में जो सैमसंग नोट जो मोबाइल था वो लेकर फरार हो गए। ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस 392 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 की रहीवासी स्नेहा रंगलानी नामक व्यक्ति के साथ चोरी की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्नेहा रंगलानी ने उल्लासनगर 4 के प्रसिद्ध होटल शांति सागर के सामने अपनी एक्टिवा पार्क की हुई थी, जिस एक्टिवा का नंबर है MH05BF3431। इस एक्टिवा के अंदर उन्होंने कुछ कैश और अपना मोबाइल फ़ोन रखा हुआ था। तभी जब उनका ध्यान नहीं था कुछ चोर वहां पे आए और अज्ञात चोरों द्वारा उनकी एक्टिवा की डिक्की खोलकर उसके अंदर जितना भी सामान था वो लेकर चोर जो है वहां से फरार हो गए। ये पूरा मामला हिल्लाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज और पुलिस 379 के तहत कार्रवाई कर रही है। उल्लासनगर 4 स्टेशन परिसर में पुलिस ने कुछ लोगों को सार्वजनिक जगह पर खुलेआम जुआ खेलते हुए पकड़ा है। यह पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस मुंबई जुगार कायदा कलम 12A के तहत कार्रवाई कर रही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। आज के समय में स्पेशली शहरी भागों में नॉइस पोल्यूशन एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, एक बड़ा इशू है। नॉइस पोल्यूशन सभी की हेल्थ के लिए एक हैजर्ड है, नुकसानदायक है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है ये ओल्ड और सिक लोगों के लिए। और ना केवल ये हेल्थ हैजर्ड है बल्कि स्टूडेंट्स को उनकी स्टडीज़ के दौरान भी इससे डिस्टर्बेंस होती है। हमारे पास पुलिस के पास बहुत सी कंप्लेंट्स आती हैं इस बारे में। इसके बारे में एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है, नॉइस पोल्यूशन रूल्स हैं जिनके बहुत ही स्ट्रिक्ट मापदंड हैं और उनका वायलेशन एक बहुत ही सीरियस ऑफेंस भी है। लेकिन मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि नॉइस पोल्यूशन रूल्स को फॉलो करें, नॉइस पोल्यूशन ना करें, पुलिस को मदद करें नॉइस पोल्यूशन रूल्स को एनफोर्स करने में। आप सभी नागरिकों की मदद करें, खुद की मदद करें, और जो ये पुलिस ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है हिराली फाउंडेशन के साथ नॉइस पोल्यूशन को कंट्रोल करने का, उसमें हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि नॉइस पोल्यूशन आज की जो एक गंभीर समस्या हुई है, काफ़ी तरह का पोल्यूशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, वैसे नॉइस पोल्यूशन की समस्या काफ़ी गंभीर रूप धारण की है। और नॉइस पोल्यूशन से अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन आदमी का कंसंट्रेशन नहीं होना, चिड़चिड़ापन में बढ़ोतरी हो जाती है, आदमी का मेंटल इम्बैलेंस भी होता है, इट लीड्स टू हाइपरटेंशन ऑल्सो। और डॉक्टर ने ये भी रिसर्च में आया है कि डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारियों के पीछे भी नॉइज़ पोल्यूशन का काफ़ी बड़ा रोल होता है। तो इस तरीके से नॉइज़ पोल्यूशन इज़ रियली टेकिंग सीरियस टर्न एंड बिकमिंग वेरी डेंजरस टू पर्सनल्स मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। लोगों से अपील है कि अपने जो भी फेस्टिवल्स है, जो भी उत्सव है, जो भी अपने कार्यक्रम हैं, वो नॉइज़ पोल्यूशन लेस, नॉइज़ पोल्यूशन रादर नॉइज़ पोल्यूशन फ्री करें। उसके लिए वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, टू प्रोटेक्ट यू। काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। नॉइज़ पोल्यूशन रोकने के लिए अपने यहाँ जो पर्यावरण संरक्षण एक्ट जो बनाया गया है, उसके तहत 5 साल तक के जेल और 1,00,000 रुपये तक के फाइन या दोनों की तरतूद है। समाज में अवेयरनेस करने के लिए हमें जो है हिराली फाउंडेशन जैसी NGOs है, संस्था है, उनका सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है। क्योंकि हम तो हमारे तरीके से पैमाने पे हमारे तरीके से जितना हो सके अवेयरनेस करते हैं, बट हिराली फाउंडेशन जैसी अगर NGOs आगे आती है, लोगों में ज़्यादा तरीके से खुल के अगर अवेयरनेस करती है, तो नेचुरली हमें विश्वास है कि उल्लासनगर में भी, Zone 4 में भी हम नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल में ला सकेंगे और उल्लासनगर नॉइज़ पोल्यूशन फ्री सिटी कर सकते हैं, ऐसे मुझे उम्मीद है और आत्मविश्वास भी है। पुलिस के इस अप्रतिम जज्बे को मेरा सलाम। सो फाइनली ऑल आई वांट टू से इज बी द चेंज टू सी द चेंज। चलिए आज से प्रण ले कि हम सिर्फ इको फेस्ट मनाएंगे, वो भी शांति के साथ। खुद से ज्यादा हम सोसाइटी को इम्पोर्टेंस देंगे। चलिए एक ऐसे युग का आरंभ करें जो कल्चरली रिच और शांति प्रिय हो। मैंने तो ये प्रण ले लिया है।
अब आपकी बारी है। क्या पता आपकी इस छोटे से चेंज से सोसाइटी में बदलाव आ जाए, सोचिएगा जरूर। धन्यवाद। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। मंच टीवी प्रस्तुत मेरी आवाज ही पहचाने हा रियलिटी शो लवकरच तुमच्या भेटीला येत आहे। या कार्यक्रमात सहभागी होण्याकरिता व ऑडिशन साठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबर्सवर संपर्क साधा। मेरी आवाज ही पहचाने है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। गणेश उत्सव अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपला आहे, अशात उत्साह साजरा करण्याच्या अति उत्साहात आपल्याकडून कोणताही अपराध होणार नाही व दुर्घटना होणार नाही याची काळजी घ्या। तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह। तोपर्यंत पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। धन्यवाद।